इन दिनों इंदौर के चैथराम फ्रूट मंडी में हिमाचल के सेमफल की बहार देखने को मिल रही है। अलग अलग वैरायटी के सेमफल की विशाल श्रृंखला चैथराम मंडी स्थित रमेश चंद्र कन्हैया लाल फ्रूट व्यवसायी एवं फ्रूट ऑर्डर सप्लायर्स के यहाँ देखी जा सकती है। फ्रूट व्यवसायी सुनील टांक के अनुसार इस समय हिमाचल की शिमला मंडी से गोल्डन, रेड गोल्ड, रिचर्ड रॉयल सहित शिमला सेमफल की आवक हो रही है। शहर की चैथराम मंडी स्थित फ्रूट व्यवसायी रमेश चंद्र कन्हैया लाल और उनका परिवार पिछले 40 सालों से मंडी में फ्रूट व्यवसायी के रूप में कार्यरत है, जिनके प्रतिष्ठान पर कई तरह के फ्रूट का व्यवसाय और उनकी बोली लगाई जाती है। इस समय यहाँ हिमाचल के सेमफल की आवक हो रही है। यहाँ इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी फ्रूट खरीदने लोग पहुंचते हैं। हिमाचल में इस समय सेब का सीजन चल रहा है और वहां से अलग अलग किस्मों का सेब इंदौर की मंडी में पहुंच रहा है। फ्रूट व्यवसायी सुनील टांक के अनुसार हिमाचल से क्वालिटी सेब इंदौर पहुंच रहा है। इस समय ग्राहकी में कमी है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ग्राहकी में तेजी देखने को मिलेगी। अपने यहाँ से जो सेमफल आ रहा है अपनी दुकान पे 12 नंबर दुकान पे, वो आ रहा है शिमला का डिविजन आ रहा है, शिमला आ रहा है, और उसके बाद में वैरायटी आ रही है अलग अलग की, उसके बाद में रिचर्ड आ रहा है और रॉयल आ रहा है, और ये जो है रोहू मंडी से आ रहा है, और यहाँ पे 700 से तो 1500-1600 रुपए तक की इसकी मार्केट रेट है। और यहाँ पे अभी अभी आज या कल से ही गिराकी का माहौल हुआ है, बाकी इतने दिनों से गिराकी कम थी और माल भी मंडी के अंदर आवक कम आ रही है, एक दो गाड़ियाँ ही आ रही है, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है यहाँ पे, और वहाँ पर भी माल बहुत ज़्यादा भाव का मिल रहा है, और वहाँ से यहाँ आने में माल थोड़ा दागी भी हो रहा है, एक दो दाने दागी हो ही जाते हैं।